कलकत्ता यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में 22 मार्च को सुपरट्रॉन फाउंडेशन की ओर से वार्षिक सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 14 स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। चीफ गेस्ट थे चिन्मयानंद मिशन के हेड ब्रह्मचारी दिवाकर चैतन, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर थे सुशील पोद्दार। युवा शक्ति से बात करते हुए फाउंडेशन के ट्रस्टी व सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विष्णु कुमार भंडारी ने कहा कि समाज के निचले तबके के बच्चों के लिए जो स्कूल बने हैं, उनके बच्चों में भी बहुत प्रतिभा है। इसमें नृत्य जैसी कला को निखारने के लिए हमने कोरियोग्राफर को हायर किया है और स्कूलों में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। हमारा मकसद उनको उत्साहित करना है। इस तरह का यह तीसरा कार्यक्रम है। आज कुल 260 बच्चों ने परफॉर्म किया। इसके पहले के दो सालों में 110 फिर 180 बच्चों ने शिरकत की थी। हमने 14 स्कूलों को चुना। 40 ऐसे स्कूल हैं जहां पर फाउंडेशन की ओर से कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। सुपरट्रॉन फाउंडेशन के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। तो आज का कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है कि हमने देखा जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं, जिसमें हम कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, कि वहाँ के बच्चों में अंदर में बहुत कला है डांस करने की, नाचने की। उस कला को कैसे हम और उत्साहित करें, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि उन बच्चों को कभी स्टेज पर चढ़ने का या स्टेज पर पहुँच के या कुछ परफॉर्म करने का मौका नहीं लगता है, तो उसी उद्देश्य से कि हमने कोरियोग्राफर की टीम को हायर करके उनको पूरी ट्रेनिंग दे के उनका मेकअप पूरा करा के आज स्टेज पर मैं उनको आमंत्रित किया गया है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे हैं कि उनके अंदर का जो कला है वो बाहर। जो क्वालिफाई कोरियोग्राफर की एक टीम को हमने हायर किया है, वो लास्ट 3 महीने से उनको स्कूल में जाके सिखा रही है और उनकी जो कला है उसको और ज़्यादा मजबूत कर रही है और उनको वो मन में कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है कैसे स्टेज पे चढ़ के डांस कर सकते हैं, नाच कर सकते हैं और उनकी कला कैसे। अच्छा है कि भाई जैसे 15 स्कूलों को हमने चुना है, हमारी 40 स्कूलें हैं जहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलता है, उसमें से हमने 14 स्कूलों को खुला। 260 बच्चे आज परफॉर्म करेंगे, 14 स्कूलों के बच्चे आए हुए जो हैं, और तो आप देख रहे होंगे कितने उत्साहित हैं वो, कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। कभी उनको स्टेज में चढ़ने का, इतनी बड़ी पब्लिक के सामने कुछ प्रोग्राम देने का मौका नहीं लगा है, पहली बार लगा है। तो ये प्रोग्राम हमारा एनुअल प्रोग्राम है, हर साल हम करते हैं, ये तीसरा प्रोग्राम है, तीसरा साल चल रहा है और हम चाहते हैं कि हर साल इस प्रोग्राम को और बड़े रूप में करें। कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पोद्दार ने युवा शक्ति से खास बातचीत करते हुए बताया कि यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, सोचिए वे किस श्रेणी के स्कूलों से आ रहे हैं। जहां पर पढ़ना लिखना ही मुश्किल है, वहां के बच्चों को फाउंडेशन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। फाउंडेशन ने इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी बीड़ा उठाया है और एक बड़ी बात है। विष्णु कुमार भंडारी जी जो कर रहे हैं वह भगवान की पूजा के बराबर है। ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसका कारण ये है कि जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं वो किस टाइप के स्कूल से आ रहे हैं, ये सोचने की बात है। जहाँ पर पढ़ना लिखना ही मुश्किल है और वहाँ के बच्चों को सुपरट्रॉन फाउंडेशन एक स्टेज में परफॉर्म करा रहा है, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा वो स्टेज में परफॉर्म किए करेंगे। आज अगर आप देखिए तो जितने भी बच्चे हैं, अभी 5वां 6वां कार्यक्रम चल रहा है और इनकी ट्यूनिंग आपस में इतनी अच्छी है, बड़े बड़े कलाकारों जैसा परफॉर्म कर रहे हैं और सुपरट्रॉन फाउंडेशन ने जो इन बच्चों के पढ़ाई लिखाई का भी बीड़ा उठाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज के दिन में समझता हूँ ये जो आदमी कर रहे हैं श्री विष्णु कुमार भंडारी जी, उनके लिए बहुत बड़ी पूजा है। ये भगवान की पूजा के बराबर है ये कार्यक्रम को करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना, बहुत बड़ी बात है। CSR हेड उत्पल बैनर्जी ने कहा कि सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स 30 साल पूरे कर चुका है और हम लोग 31वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
पूरे भारत में शाखा कार्यालयों के साथ भारत में आईटी हार्डवेयर और दूरसंचार उत्पादों का एक विशाल राष्ट्रीय वितरक है। इस कार्यक्रम में वंचित बच्चों के स्कूलों और सरकारी संगठनों के छात्रों द्वारा भारतीय पारंपरिक नृत्य, नाटक एवं लोक संगीत का प्रदर्शन किया गया। सुपरट्रॉन फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास सहित वंचित समाज के विभिन्न वर्गों में अपने पंख फैलाए हैं। फाउंडेशन ने पश्चिम बंगाल में 40 स्कूलों में कंप्यूटर सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किए हैं। फाउंडेशन ने 2022 में मिदनापुर में 250 बच्चों वाले एक अनाथालय को भी गोद लिया है। 2021 से फाउंडेशन इन बच्चों की छिपी प्रतिभा को समाज को दिखाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। युवा शक्ति के लिए लखन भारती की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।